जॉब स्टेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ये मेरा पहला जॉब जॉब के लिए वीडियो है। तो आज जो वीडियो लेके आया है वो है कॉम्बाइन हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, जिसको पॉपुलर जिसको लोग जानते हैं CHSL के नाम के। मतलब आपको अगर हायर सेकेंडरी आप अगर हायर सेकेंडरी पास कर गया तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो अभी फॉर्म चल रहा है कि अभी सबमिशन चल रहा है कि क्योंकि 6 नवंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 15 दिसंबर तक चलेगा। आज 10 तारीख 10 दिसंबर है, तो और 5 दिन ये आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेट मेंशन किया है कि ये जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 6/11 to 15/12, लास्ट टाइम लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसीप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/12। तो ये कुछ डेट दे दिया है, और यदि अगर चालान के थ्रू दे सकते हो तो लास्ट डेट है, मैंने अगर पेमेंट चालान के थ्रू कर सकते हो तो करते हो तो 21 दिसंबर तक ये चलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम Tier 1 जो होगा वो अप्रैल के 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 तारीख तक चलेगा, ठीक है। अभी तो करना है तो फिलहाल यही डेट है, तो बाद में देखते हैं क्या होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है ये Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में कंप्लीट हो जाएगा। Tier 1 में जो है कुछ 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ 200 मार्क्स का। उसके बाद Tier 2 एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसका डेट अभी फिक्स नहीं है। उसके बाद Tier 3 होगा, वो है टाइप स्किल, आपका टाइपिंग कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी निकला है। लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का दो है, एक है ग्रुप ए ग्रेड ए और एक है आपका लेवल 5 का है, और एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के, ठीक है। तो वैकेंसी अभी तक बोला नहीं है, तभी लेकिन सोर्स से जाना जा रहा है कि 4,000 5,000 तक, 4,000 या 5,000 तक ये वैकेंसी हो सकता है। रिजर्वेशन SC ST OBC PWD ये EWS जो नया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो करेंटली स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिकल वर्किंग वीकर सेक्शन का 10% का रिजर्वेशन वो भी मिल जाएगा जिसको EWS का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पर्सनल PWD के कैंडिडेट्स का परमिसिबल डिसेबिलिटीज अलग अलग पोस्ट के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, PWD कैंडिडेट्स का, पोस्टल असिस्टेंट के लिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज दे दिया है। नेशनलिटी जो होगा इंडियन होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, तिब्बतियन और जो इंडियन माइग्रेटेड है उसके लिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नेशनलिटी आपको फिल करना होगा। सबसे बड़ी बात है एज लिमिट। एज लिमिट है 18 से 27 तक। मतलब आप अगर 1994 का 2 जनवरी से पहले अगर आपको जन्म हुआ तो आप ये फॉर्म भर नहीं सकते, और अगर 2003 के 1 जनवरी के बाद अगर आपको जन्म हुआ तो आप ये फॉर्म भर नहीं सकते, ठीक है। तो ये डेट जरूर देख लीजिएगा, 1/1/21 1 जनवरी में आपका एज 18 से 27 के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है, SC ST का, ABC का, PWD का, EWS का कुछ एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद आता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना जरूर। एक सर्विस मैन के लिए 6.7 के 7 में दे दिया है, 6.8 में कुछ मेट्रिकुलेटेड एक सर्विस मैन के लिए निकला है, 7 में कुछ दिया है प्रोविजनल ऑफ कॉम्पेंसेशन टाइम टू असिस्टेंट स्क्राइब। मतलब है अगर आप अगर नहीं खुद लिख सकते हो तो आप दूसरे लोग को शायद ले जा सकते हो, तो उसके लिए कुछ रूटीन है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो आप पढ़ लेना यहाँ पे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको हायर सेकेंडरी पास करना होगा LDC के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुछ पोस्ट के लिए। तुम अगर हायर सेकेंडरी पास कर गया तो तुम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का एक पोस्ट है,
वो तुम अप्लाई कर नहीं सकते अगर तुमको हायर सेकेंडरी में साइंस नहीं है, साइंस के साथ मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर आपको हायर सेकेंडरी में साइंस के साथ मैथमेटिक्स है तो आप सभी फॉर्म सभी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर हायर सेकेंडरी में अगर साइंस नहीं है तो आप DO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक छोटा वीडियो। और अप्लाई कहाँ से करना होगा, ssc.nic.in यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। अगर अगर पहले रजिस्टर कर दिया है तो उसी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड में जा पुट करके तुम वहाँ पे तुम्हारा जो रहेगा वहाँ पे तुम भर सकते हो फॉर्म। तो कुछ तो पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए भर दिया होगा, पहले जब रजिस्ट्रेशन किया था तो तुम कुछ फ़ोटो मांगा है, फ़ोटो जो है यहाँ पे फोटो है 20 KB और 50 KB के अंदर फोटोग्राफ चाहिए। और फोटोग्राफ 3 मंथ का पुराना नहीं चाहिए, 3 मंथ के अंदर मतलब 3 मंथ के ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और डेट ऑफ जो कब फोटो खींचे गया है वो क्लियरली प्रिंटेड होना चाहिए फोटोग्राफ में। फोटोग्राफ में तो कब फोटो प्रिंट किया है ये क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं किया है तो वो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद सिग्नेचर का है, सिग्नेचर का एक फोटो डालना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पेमेंट होच्छे एप्लीकेशन फी है 100 रुपीस फॉर जनरल के लिए और शायद OBC के लिए भी जो लड़के लोग हैं, लेकिन SC ST PWD एक एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा। और सभी के सब वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए, वो जनरल भी हो और SC ST का भी हो, उसके लिए एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। ठीक है, तुम UPI यूज कर सकते हो, रुपए यूज कर सकते हो, मास्टर कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया है 12 नंबर में। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देखते हो, देख सकते हो सेंट्रल रीजन से, ईस्टर्न रीजन से है, कर्नाटक रीजन से है, मध्य प्रदेश रीजन से है। ईस्टर्न रीजन से जो है पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बरहमपुर, हुगली, कोलकाता, राउरकेला, ये सब है। कर्नाटक जोन में यह भी काफ़ी सारी जगह है। तो ये 3 रीजियन तुमको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तुमको चूज करना होगा, उसमें से ही तुमको शायद आ जाएगा तुम्हारा सेंटर। और ठीक तरह से सिलेक्ट करना, नहीं तो एग्जाम के टाइम बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। बोला था Tier 1, Tier 2, Tier 3 होगा। Tier 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वो शायद इंग्लिश और हिंदी का होगा। और Tier 3 टाइपिंग टेस्ट होगा, वो बाद में होगा, सबसे शेष Tier 3 होगा। सबसे पहले Tier 1 होगा, वो है 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन में 25 इंग्लिश लैंग्वेज, 25 जनरल इंटेलिजेंस और 25 क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 25 जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट के लिए जो ये होगा सिलेबस होगा वो भी दे दिया है 13.5 में। आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। जनरल का टायर 2 का भी सिलेबस दे दिया है, टायर 3 का भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, लेकिन टायर 2 टायर 3 अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो आप जरूर ये फॉर्म फिलअप कीजिए और सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब कुछ तो इसी के अंदर है। तो आपका थ्रू आउट द प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस इसी के नोटिफिकेशन के जरिया होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाहर कुछ नहीं होगा। तो आप अप्लाई कीजिए, अगर आप हायर सेकेंडरी पास कर किया है तो ये जरूर एक बहुत बड़ी चांस है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।